नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अंतरा क्रिएशंस के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज काफ़ी अच्छा मौसम है, सुबह से रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, और तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गार्डन का व्यू दिखाती हूँ आपको कि मेरे गार्डन में क्या क्या हो रहा है। तो ये देखिए, इस सुहाने मौसम का आनंद ये कोयल भी ले रही है। कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है इसकी आवाज़ ना। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो बारिश हो चुकी है, अभी फिर रिमझिम रिमझिम चालू हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे गार्डन में ना इस बार गर्मियों में बहुत नुकसान हुआ है। मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स सूखे हैं, काफ़ी प्लांटर खाली हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हुआ है मेरे गार्डन। ये मेरा कलेंचू का प्लांट है और ये बड़ी मुश्किल से ना अब इसमें नई ग्रोथ हुई है, नए कल्ले, ये जो नई कलियाँ इसमें आई हैं, इसमें इस तरह से ये क्लांचू के प्लांट ना मेरे 4-5 पॉट में मैंने लगा रखा था और सारे सूख गए। तो ये बड़ी मुश्किल से इतना बचा 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 तो नहीं, ये सूख गया था पूरा, लेकिन अब इसमें नई ग्रोथ ये स्टार्ट हुई है। तो मैं अब अगले साल के लिए ना इसी में से कटिंग ले लूँगी। तो ये थोड़ा सा बच गया तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा वो रहा। अब ये देखिए, ये प्लांट इस तरह से सूख गए थे दोस्तों, देखिए गर्मियों में। अब बारिश की शुरुआत हो चुकी है तो ये जो सारे प्लांट हमारे सूखे हैं ना, मैं उनको बारिश में रख दूंगी। उससे क्या होगा, बारिश के पानी से इनमें नई ग्रोथ होगी और फिर से कलियां आ जाएंगी। इस तरह से काफ़ी मेरे प्लांट सूखे हैं, प्लांटर में आपको दिखाऊंगी कितने सारे मेरे प्लांटर खाली हुए हैं। ये भी देखिए, ये क्लेंचू का ये भी पूरी तरह से सूख गया था, अब इसमें एक आध ये इस तरह से बची है। अब ये अगर इनमें नए कलियां आ जाती हैं, नए शूट्स आते हैं, तो ये मेरे अगले साल के लिए रहेगा। इसमें मेरा बिगोनिया लगा हुआ था, ये भी सूख के देखिए इसकी कैसी हालत हुई है। ये अभी कुछ दिन, दो मतलब 4-5 दिन पहले तक ठीक था, लेकिन अचानक से अपने आप पता नहीं ज़्यादा पानी इसमें पड़ा या क्या हुआ, क्योंकि गर्मी में ना अधिक पानी से भी कई पौधे वैसे भी सूखे हैं। स्पाइडर प्लांट, ये इतने सारे मेरे स्पाइडर प्लांट हैं, बट ये देखिए ये पूरी तरह से ख़राब हो गया, सूख गया, गल गया। अब ये तो मुझे लगता नहीं कि अब ये दोबारा से ठीक होगा। ये एक सिंगल वैरायटी थी, इसमें ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन, जैसे ये डार्क ज़्यादा ग्रीन है और वाइट कम है, इसमें वाइट ज़्यादा था और ग्रीन लाइनिंग थी। तो ये मेरा ख़त्म हो गया पूरी तरह से। और इसमें जो रनर्स निकल रहे थे ना, वो भी सूख गए, जैसे इसमें रनर्स हैं, तो इससे हम नई कटिंग्स तैयार कर सकते हैं। ये देखिए अभी बस आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी है जड़ें आ रही हैं, इनको हम मिट्टी में दबा देंगे तो ये हमारा नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इतने सारे रनर्स इसमें आ रहे हैं, तो इससे कटिंग से भी हम इसको लगा लेते हैं और इस तरह से रनर्स निकलते हैं तो उनसे भी नया प्लांट हमारा बन जाता है। तो यहाँ पर मेरे अभी स्पाइडर प्लांट की हालत उतनी अच्छी नहीं है, बहुत अजीब सी हो गए हैं गर्मी की वजह से, बारिश शुरू हो गई है तो मैंने बारिश में रखूंगी, उससे ठीक हो जाएंगे ये। बाकी मेरे ना ये इस ग्रो बैग का प्लांट सूख गया है, तो ये मेरे काफ़ी सारे ग्रो बैग्स भी खाली हो गए हैं। ये देखिए काफ़ी, ये देखिए इसमें मेरा जेरेनियम का प्लांट लगा हुआ था कुछ दिनों तक, अभी तक की फ़िलहाल ठीक था, लेकिन अभी देखते इसकी हालत बिल्कुल ये ख़त्म हो चुका है। दो वैरायटी थी इसमें, मैं हर साल इनकी वैरायटी कलेक्ट करती हूँ बट हर साल ये सूख जाते हैं, पता नहीं क्यों। बुरा हुआ तो कुछ अच्छा भी हुआ दोस्तों। ये देखिए मेरा चंपा का प्लांट कितना हेल्दी और कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी कटिंग ना मैंने 4-5 महीने पहले ही लगाई थी, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दी थी और ये बहुत ही मतलब अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। कुछ प्लांट मैंने खोए हैं तो कुछ पाए भी हैं। चलिए कोई नहीं, फिलहाल बारिश शुरू हो गई है तो अब जितने हमारे प्लांट बचे हैं उनको हम बचा कर रखेंगे। ये देखिए इसमें ना इन पॉट्स में मेरे क्लेंचू के हाइब्रिड वेरीगेटेड जो क्लेंचू होता है वो मैं लेकर आई थी, वो भी सब खत्म हो गए बड़ी मुश्किल से। मैं इतने सारे कलर मैंने कलेक्ट किए थे, 5-6 कलर में लेकर आई थी और सारे वेरीगेटेड थे, बहुत ही खूबसूरत एक से एक, बट वो सारे ख़त्म हो गए। है मेरा येलो वाला टिकोमा, इसमें मैं एक येलो लाई थी, एक ऑरेंज लाई थी, ऑरेंज वाला भी सूख गया और ये येलो वाला बचा है। देखिए आप देख सकते हैं ये किस तरह से इनकी, ये भी ग्रीन नेट के नीचे रखा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ऊपर से ग्रीन नेट है हमारी और मैंने उसके नीचे ये प्लांट रखे हैं। उसके बावजूद भी इतनी गर्मी पड़ी थी, इतनी गर्मी की मेरे
यहाँ भी मेरे प्लांट इतने झुलस गए हैं, कितने झुलसे हैं देखिए ये। अब बारिश के पानी, यहाँ पर अभी थोड़ा हरियाली है, बारिश से थोड़ा सा ये खिला हुआ लग रहा है, काफी हरी भरी लग रही है बगिया, लेकिन जो पहले से सूख चुके हैं। ये हमारा ड्रेसिना, कितनी बुरी तरह इसकी पत्तियां झुलस गई हैं। ये हमारा हाइब्रिड वाला है और ये नॉर्मल वाला। इसकी हाइट इतनी होती है, काफी मतलब हाइट हो जाती है इसकी, और जो हाइब्रिड वाला ये देखिए इस तरह से। इसमें मेरा ऑरेंज वाला टिकोमा लगा था, और ये भी देखिए सूखा है, इसको मैंने अलग से रखा है। ये तो काफी सारे मेरे पॉट सूखे हैं, काफी खराब हुए हैं। ये देखिए इस तरह से सारे ग्रो बैग्स में मेरे प्लांट्स लगे थे। और ये गुलदावरी जो है मेरी, अभी इसकी ऐसी हालत हो गई है गर्मी से, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको बचा के रखा है। अब बारिश हो गई है तो मैं इनकी कटिंग अब लगाऊंगी। ये देखिए तो इन छोटे छोटे मैं ग्लास में इनमें भी प्लांट लगाती रहती हूँ। ये देखिए लेमन ग्रास के पौधे की कितनी बुरी हालत हो गई है। ये ज़्यादा धूप सहन नहीं कर पाता, तो पानी में रहने के बावजूद भी इनकी ऐसी हालत हो गई है। तो आप समझ सकते हैं, जो पानी भी था ना, हमने पानी भी रखा हुआ था पक्षियों के लिए छत में, तो दोपहर के टाइम में एक दिन मैं गई तो पानी उबल रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे शायद कि वो पानी बुरी तरह से उबल रहा था, इतना इतनी गर्मी, इतने मतलब कि छोटे छोटे प्लांटर्स के प्लांट। इसमें मेरा स्पाइडर प्लांट लगा हुआ था इस तरह से, तो मैंने अभी यहाँ इनको झुंड में टांग दिया है ताकि ये, अब ये देखिए बड़ी मुश्किल से दोस्तों, बड़ी मुश्किल से पौधे मैंने बचाए हैं। अब बारिश हुई है ना, तो थोड़ी इनमें जान में जान आई है। बारिश के पानी से जो इनको धीमी धीमी जो बारिश होती है ना, रिमझिम वाली, उससे इनको कितनी खुशी हो रही है। देखिए आप देख सकते हैं कितने लहरा रहे हैं, जो हरियाली आई है। नुकसान तो काफ़ी हुआ इस बार मेरा। और ये देखिए ये प्लांट भी लगभग लगभग सूख चुका था, लेकिन फिर से हरा हो गया है। ग्रो बैग्स तो मेरे इस तरह से काफ़ी सारे मेरे ग्रो बैग्स खाली हो गए हैं। इसकी भी पत्तियां इस तरह से झुलस रही थी कुछ कुछ, तो बारिश हुई है तो ये भी थोड़ा सा खुश हो रहा है। मैंने टिन कंटेनर में पीपल का पौधा लगाया था। ये देखिए जो एरिया इसका दीवार की साइड था, वहाँ से दीवार की गर्मी से देखिए पत्ते कैसे झुलस गए इसके। अब मैं इनको बारिश में रख लूँगी तो ये सब ठीक हो जाएंगे। कितने सारे प्लांटर मेरे खाली पड़े हैं। इनमें ग्लेंचू लगा था जो एक एक करके सारे सूख गए। कोई बात नहीं, थोड़ी सी कटिंग तो मेरे पास रह गई है, अगले साल सर्दियों में उनमें फूल आते हैं तो मैं फिर कुछ टाइम बाद उनकी कटिंग इन पॉट्स में लगा दूंगी दोबारा। यहाँ पर मैंने तुरई और सेम के पौधे लगाए थे, वो भी पहले काफ़ी सूख गए थे, तो अब जब एक दो बारिश हुई है, मतलब कल और आज हुई है, जिससे थोड़ा सा ये पौधों में जान आई है। तो अब मुझे लगता है जो सूख गए थे ना, तो अब शायद उम्मीद है कि मुझे इनसे कुछ मिले। ये देखिए शुरुआत में एक आध फल भी निकला था, लेकिन जब बेल सूखी तो फिर फल कैसे रहता। अब नई कलियां इनमें आई हैं, आप देख सकते हैं ये। अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि इसमें दोबारा से तुरई लगेगी मेरी। ग्रो बैग में मैंने तुरई का पौधा लगाया था और वो काफ़ी बड़ा भी हो गया था, फल आने की तैयारी भी थी। तुरई और ककड़ी का लगाया था शायद, इसमें ककड़ी भी निकली थी एक आध, लेकिन वो सूखा तो पूरा पौधा ही सूख गया, जिसे मैंने हटा दिया इसमें से। अब मैं इसमें कुछ दोबारा से लगाऊँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी काफ़ी सारे अपने गमले अपने पॉट्स रख दिए हैं जो खाली हो गए थे। इस तरह से मैंने यहाँ संभाल दिया है इनको। तो अब बारिश शुरू हो गई है, फिर कटिंग वटिंग लगाने का काम भी शुरू करेंगे, तो ये मेरे पॉट्स वगैरह काम आएंगे और फिर अगले सीजन की तैयारी करेंगे हम। एक ये प्लांट देखिए दोस्तों, ये मेरा कितनी बुरी तरह से सूख गया है। ये है हमारा ब्रह्म कमल, इसकी भी हालत अभी 15 से 20 दिनों के अंदर ही अंदर ऐसी हुई है, जब लास्ट में बहुत भयंकर गर्मी पड़ी थी। तो अभी नीचे से तो थोड़ा बहुत हरा है ये,
बारिश हो गई है तो मैं इसकी जो सूखा वाला हिस्सा है ये कट कर दूंगी और नीचे से नए कल्ले इसमें आ जाएंगे, नए शूट्स इसमें आ जाएंगे तो हमारा ये पौधा ठीक हो जाएगा। और मैं कुछ, ये देखिए पूरा बुरी तरह से सूख गया है, थोड़ा थोड़ा सूख रहा था बट मैंने थोड़ा सा गलती मुझसे ये हुई कि मैं इसको शेड में नहीं रख पाई, भूल गई शायद, तो इस वजह से इसकी ये हालत हो गई है। तो दोस्तों आज की जानकारी यही ख़त्म करते हैं, बाकी की जानकारी के लिए आपको देखना होगा मेरा अगला वीडियो, इसका दूसरा पार्ट। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।